करेंसी वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज 21 अप्रैल 2024, पिछले हफ्ते 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटी हुआ उसी का एक प्रयास होगा एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो पिछले हफ्ते यानी 15 अप्रैल से 19 अप्रैल में जो डॉलर इंडेक्स का एक्टिविटीज था एक नैरो रेंज के अंदर में गुजरा है and it traded, it behaved in between, it moved in between 106.51 on the higher side and 105.74 on the lower side. Oh, so that means 75 pips ke andar mein, basis points ke andar mein, ye dollar index move hua, ek small body doji candle banaya hua hai. Abhi, what next? What next ke liye, usse pehle wale hafte mein ek strong breakout candle ke saath, pichle uske pehle wala hafta close diya hua tha and इमीडिएटली ये उसके हाई के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं एंड उसके जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है 107.20। अभी नेक्स्ट वीक से हमें ये देखना है क्या ये 107.2040 लेवल को रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्ट करता है एंड उसके बाद नीचे आते हैं क्या, इसको हमें देखना पड़ेगा। RSI जो है वो है आपका 62.83 लेवल पे, सो means near to 60 only, there are possibilities कि इसी level से एक resistance मिल जाए, क्या ये होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम daily chart में देखने का प्रयास करेंगे, price is continuously making higher high, higher low, so जब तक ये आपका 18 अप्रैल के low के नीचे close ना दे, ये वाला 18 अप्रैल के लो के नीचे क्लोज ना दे एंड नीचे की तरफ सस्टेन ना करे, तब तक आपका मींस इसके वो सेलिंग के लिए हम इतना ज्यादा नहीं सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका 18 अप्रैल के लो के नीचे दैट मींस 105.70 के नीचे क्लोज दे दे एंड नेक्स्ट फॉलो थ्रू मिले तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस यहाँ पे हम डॉलर इंडेक्स पे हम कंसीडर कर सकते हैं। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में बैक टू बैक दो weekly strong negative candles ke saath close diya hua hai. Last week what we saw is that it traded in between 1.2498 as the high and low of 1.2361 and closed there only. So what it means, jo pichle hafte ka jo weekly candle hai, it's a strong bearish candle. That being the case, यहाँ पे अगर हम 4 hourly पे अगर एक हमें positive candle मिलते हैं, that means something like this, एक छोटा सा positive candle हमें मिल जाता है, green candle, green color का candle 4 hourly basis पे, then उस green candle के low के नीचे हम selling के लिए सोच सकते हैं and ये जो green candle का high होगा that is going to be our stop loss. टारगेट जब तक ये W पैटर्न बना के मींस जब तक ये W पैटर्न ऑन 4 आवरली बेसिस में बना के नहीं जाते, सो यहाँ पे एक सेलिंग मोमेंटम हम देख सकते हैं। जो हमारा एक्चुअली यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था इसका ब्रेकडाउन का टारगेट जो है वो है आपका 1.2170 से 1.2200 के लिए, currently 1.2365, so there is a room of almost 150, 180 basis points का, pips का एक downward movement का possibilities हो सकते हैं। अगर हम इसको daily chart में देखेंगे, तो daily chart में जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे एक means positive candle बनाया and उसके low के नीचे एक selling था। Similarly, 4 hourly पे भी मंडे अनवर्स हमें एक इस टाइप का ग्रीन कैंडल चाहिए एंड ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जैसे ब्रेक करेगा वन कैन गो ऑन सेलिंग। ये हो गया आपका जीबीपी डॉलर का। नेक्स्ट इज जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर में ये जो सपोर्ट लेवल था प्रीवियस वीक में ब्रेक नहीं दिया था, लेकिन लास्ट वीक में 15 to 19 के बीच का जो वीक है वहां पे अच्छा खासा सेलिंग हम देखे हैं एंड दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये it is heading towards 101.50. That being the case, यहाँ पे selling के लिए कैसे देखेंगे? पहले एक बार हम daily chart में देख लेते हैं। Daily chart में भी यहाँ पे देखिए एक pullback दिया, pullback के low के नीचे एक बढ़िया सा selling देखा गया। So अभी इस weekly perspective में जो candle बना है, तो उसकी consider करके Monday onwards, अगर हमें एक इस type का positive candle बनते हैं, Monday onwards इस टाइप का एक पॉजिटिव कैंडल बनते हैं 4 आवरली बेसिस पे एंड उसके लो के नीचे एक बढ़िया सा सेलिंग हम
कर सकते हैं। यूरो डॉलर यूरो डॉलर वीकली जो क्लोज है ये फॉलो थ्रू नहीं है, यानी ये जो सेलिंग था सेलिंग के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन से लो के नीचे था नहीं, रेदर ये पुलबैक किया एक छोटू डोजी कैंडल इन स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या है, मींस कि पॉज, लो के नीचे कंटिन्यूएशन, हाई के ऊपर पुलबैक, हाई के ऊपर अगर पुलबैक भी देता है इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन है, दैट इज योर 107.40 का एक रेजिस्टेंस लेवल, तो ऊपर की तरफ ज्यादा मींस एरिया मिस नहीं है हाई के ऊपर अगर ट्रेड करना है तो, लेकिन लो के नीचे अगर करेगा तो एक सेलिंग टुवर्ड्स 101.05 और 1.0430 की तरफ एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डेली चार्ट को देखेंगे, डेली चार्ट में भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक पुल बैक आया है, अभी ये पुल बैक के लो के नीचे एक बढ़िया से सेलिंग डेली परस्पेक्टिव में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं यूरो आईएनआर, यूरो आईएनआर वीकली जो कैंडल बनाया हुआ है ये नेगेटिव कैंडल तो बना है लेकिन स्पिनिंग टॉप प्राइस रिजेक्शन से बोथ द ट्वेंस, उससे पहले वाले हफ्ते में एक बढ़िया सा सेलिंग देखा गया जो जिसके बाद प्रीवियस वीक में जो अभी वीक क्लोज हुआ 15th टू 19th को उसमें कंटिन्यूएशन नहीं मिला, सो इससे मींस थोड़ा सा हमें केयरफुल होना है विद रिस्पेक्ट टू जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर एंड जीबीपी आईएनआर में देखो, जीबीपी डॉलर में कितना स्ट्रांग कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू मिला, जीबीपी आईएनआर में भी कंटिन्यूएशन एंड फॉलो थ्रू मिला, लेकिन यूरो डॉलर में एंड यूरो आईएनआर पे फॉलो थ्रू नहीं है लो के नीचे, सो इट्स अ कंसर्न। कंसर्न बोले तो मींस हमें थोड़ा केयरफुल होना है कि ये नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे, वन मोर थिंग, जो वीकली में इट्स अप्रोचिंग 40, करेंटली 41.56, सो क्या ये 40 में सपोर्ट लेके रिवर्सल के लिए तैयारी कर रहा है, इसके लिए भी हमें इंतजार करना है। डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट में यहाँ पे एक पुल बैक दिया हुआ है, यहाँ पे आया फिर पुल बैक देके नीचे आने का, अभी जैसे ही लो को तोड़ेगा, इस लो को तोड़ेगा तो वहां पे एक बढ़िया सा सेलिंग के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट बीइंग द केस, ये जो आपका स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है, स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर येन, डॉलर येन में बहुत ही गजब का मींस फॉलो थ्रू कैंडल्स देखा गया है। पहले तो ये आपका 151.80-90 का एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस के बाद ये ब्रेकआउट किया प्रीवियस वीक में एंड इस हफ्ते में इसका फॉलो थ्रू। That being the case, यहाँ पे any pullback may be considered for buying opportunities. Daily chart में देखेंगे तो यहाँ पे एक आपका क्या बनाया, hammer candle बनाया या pin candle बनाया, इसका location मिलता है क्या location से, actually ये bottom में अगर hammer बनाता है इस zone पे या इस zone पे something like this, तो एक बढ़िया सा buying opportunity हम expect कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एकदम top में बनाया, So, इसके हाई के ऊपर फॉलो थ्रू हमें मिल सकता है। इक्वली हमें केयरफुल होना पड़ेगा, लो के नीचे एक मॉडरेट सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हिच मे ब्रिंग डॉलर ये टुवर्ड्स 150-150 से 152 की तरफ, सो इसको हमें थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना है। ये हो गया डॉलर येन, अभी आते हैं येन आईएनआर। येन आईएनआर में भी देखिए प्रीवियस वाला वीक में ब्रेक डाउन किया एंड करंट वीक जो गया है वो उसमें फॉलो थ्रू है, फॉलो थ्रू यानी सेलिंग के लिए ये जा रहा है। अगर इसी तरह से जाते हैं तो येन आईएनआर में हेड टुवर्ड्स 50.5050 की तरफ जा सकते हैं। दैट मीन द केस, एक डेली चार्ट देख लेते हैं, डेली चार्ट में भी एक आपका हैमर कैंडल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है लेकिन इन्वर्टेड हैमर एट लो, ये जनरली ऊपर में बनने से गुड सेलिंग का बनता है। सो अभी ये इन्वर्टेड हैमर में ये इसके हाई के ऊपर जाना नहीं चाहिए, इसके हाई के ऊपर अगर जाएगा तो एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रदर यहाँ पे नीचे की तरफ सेलिंग के लिए कंटिन्यूएशन कैसे होगा, इसका ट्रेड कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया डेली चार्ट में, दो दो ग्रीन कैंडल आया, वैसे ही फोर आवरली पे एक ग्रीन कैंडल चाहिए, मंडे ऑनवर्ड्स एक इस टाइप का ग्रीन कैंडल चाहिए एंड इसके लो के नीचे एक बढ़िया से सेलिंग मिलेगा।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू सेल बिलो दिस कैंडल, आई एम टॉकिंग अबाउट मंडे अनवर्ड्स एक ग्रीन कैंडल बनने देते हैं, समथिंग लाइक दिस, एक ग्रीन कैंडल बनने देते हैं। इस टाइप लो के नीचे बढ़िया सा एक सेलिंग, लो के नीचे जैसे ही ट्रेड करेगा तो एक बढ़िया सा सेलिंग के लिए हमें मिल सकता है अपॉर्चुनिटीज। डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी में भी ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है 1.3880 से 1.39530 का, उसके नजदीक जा रहा है, लेकिन जो वीकली कैंडल बनाया हुआ एक डोजी कैंडल बनाया है, इन्वर्ट डोजी में भी एक इन्वर्टेड है, इसका जो लोकेशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग का इंडिकेशन दे रहा है। RSI also just 61.31, क्या ये 60 इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने का पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, 4 आवरली पे एक ग्रीन कैंडल हमें चाहिए, 4 आवरली पे ग्रीन कैंडल के लो के नीचे एक बढ़िया सा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका डॉलर कैंडी का। ऑसी डॉलर में ये जो रेंज के नीचे ब्रेकआउट किया एंड अच्छा था, अच्छे तरह से ये नीचे की तरफ भी गया, इट ट्रेडेड लो ऑफ 0.6362 एंड क्लोज्ड एट 0.6414। अभी यहाँ पे ये नीचे की तरफ एक्चुअली ये जो जोन है 0.6280-6300 ये एक सपोर्ट एरिया, क्योंकि यही से मार्केट घुमाता है, तो वीकली पर्सपेक्टिव में काफी दूर है। मींस यहाँ पे आने के बाद इस लेवल पे अगर आते हैं तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। CNH 7.2510 ये आपका ये जो 7.29 का एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस है, जब तक इसके नीचे है तब तक ठीक है, सब अच्छा कुशल मंगल है। अगर एक बार इसके हाई के ऊपर क्लोज दे देता है, हाई बोले तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे देता है, तो रुपए के लिए बहुत ही भयंकर हो सकता है। आशा करते हैं कि ऐसा ना हो, ऊपर CNH इसके 7.29 के ऊपर सस्टेन ना करे। और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का कैंडल प्रीवियस वीक का था, इसके लो के नीचे एक अच्छा सा मीन्स डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर CNH इज कंसर्न। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड फ्यूचर। तो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर में पिछले हफ्ते में हमने क्या देखा, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल देखा है। अभी इमीडिएटली जो 7.93.50 उसके ऑलमोस्ट नजदीक, काफी नजदीक आया था 92.35, तो उसके बाद यहाँ पे प्राइस सेलिंग हो रहा है। यहाँ पे हमें एक्चुअली सेलिंग अगर करना है तो एक डब्ल्यू पैटर्न चाहिए, यानी एक ग्रीन कैंडल चाहिए, यानी ग्रीन कैंडल के लो के नीचे बेचना है। अगर हम इसको फोर आवरली में आगे हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का देखा है, इसके लो के नीचे एक बढ़िया सा सेलिंग हमें मिल सकता है। 4 आवरली पे ग्रीन कैंडल अगर मिलता है उसके लो के नीचे एक बढ़िया से सेलिंग हमें मिल सकते हैं। गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। अभी US 10-year Treasury भी पिछले हफ्ते में अच्छा खासा ऊपर गया है, इट ट्रेडेड हाई 4.696 एंड क्लोज्ड एट 4.623। अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था प्रीवियसली, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज मीन्स ये फिर दोबारा 5.0102 के तरफ जाने के लिए तैयार हो सकता है। तो यहाँ पे क्या मंडे ऑनवर्ड्स एक नेगेटिव रिवर्सल कैंडल्स कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बस 2-year treasury में भी वीकली बेसिस पे एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। अभी इमीडिएटली ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, 5.08 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो ऑल्सो RSI is at 60.09, एक possible probable resistance level बन सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये यहाँ पे resistance लेके नीचे आते हैं। In such a case, हमारे लिए एक बढ़िया सा setup बन सकता है। Everything all means instruments different means वो चाहे आपका equity हो या other currency instrument, ये एक है। उसके बाद तो हमें यहाँ पे देखना है कि इस करंट लेवल या अप टू 5.07 इस लेवल पे क्या एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अभी हमारा डॉलर रुपी वीकली जो बनाया हुआ है एक इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है एट रेजिस्टेंस लेवल। कौन सा रेजिस्टेंस लेवल, 8350 से 8370 का एक रेजिस्टेंस लेवल। पिछले हफ्ते में एक हाई फिर दोबारा टेस्ट किया था 783.7172 की तरफ, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया। यहाँ पे एक बढ़िया सा सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी हमें दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, ये जो उसके पहले का जो ग्रीन कैंडल है इसका लो कहाँ पे है, 8360 यानी 83 आपका 1215 के लो के नीचे, इसके लो के नीचे एक हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी
डिलीट कर देते हैं इसके लो के नीचे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकते हैं। ऑल्सो इन्वर्टेड हैमर है तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर में आपका एक फोरा वाली चार्ट में अगर ग्रीन कैंडल मिलते हैं देन ऑलरेडी एक ग्रीन कैंडल है। सपोज मंडे मार्केट ओपन होते हैं आपका मान लो 83.35 83.40 उस दिन में या इसके थोड़ा सा ऊपर भी मीन्स बेसिकली जहाँ पे क्लोज दे इसके ऊपर ओपन होते हैं। देन सब्सिक्वेंटली जैसे ही इस फोर आवरली कैंडल का लो तोड़ेगा दैट मीन्स 83.32 इसके लो के नीचे जैसे ही मीन्स थोड़ा टाइम के लिए यानी एक घंटा दो घंटा अगर इसके लो के नीचे सस्टेन कर जाते हैं तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत बढ़िया से मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो प्राइस स्ट्रक्चर है बहुत ही सेलिंग के लिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लेकिन क्या करें करेंसी फ्यूचर ट्रेडिंग फॉर द ट्रेडर्स इज बैंड सो आई कैन नॉट पार्टिसिपेट देयर एज ए मीन्स जनरल पब्लिक सो आई कैन नॉट ट्रेड बट इट्स फॉर दोज हु आर मीन्स डायरेक्टली एसोसिएटेड बैंक और सम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट उनके लिए ये ट्रेडिंग दो दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है एक ये फोर वाली पे लो के नीचे एंड और दूसरा वाला है कि वो 8 अप्रैल वाला लो के नीचे तो सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी से ये सेलिंग भी होगा तो हमारा टारगेट कहाँ पे है 80 से 83.00 का एक सपोर्ट लेवल उस लेवल पे हमें देखना है कि किस टाइप का मार्केट टेक्सचर होता है इनफ्लोज हिट करते हैं आउटफ्लोज हिट करते हैं इनविजिबल हैंड्स वहाँ पे डिफेंड करते हैं क्या होता है डॉलर रिलीज कैसे होता है एंड ऑल्सो CNH कैसे भी होते हैं वो सब हमें थोड़ा सा नज़र में रखना पड़ेगा। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना आशा करते हैं प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड।